Hello guys, welcome back to the channel. It's me, Lisa, right? So if you are new here, then first do subscribe this channel and be a part of our Luminous family. So guys, आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि कुछ रीजन ही नहीं है गाइस। मगर क्यों? नंबर वन तो मेरा आलस और नंबर टू क्या है कि मैं बहुत चीज़ों में फंसी हुई थी, लाइक बहुत चीज़ों का प्रेशर था, काम था और इसी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो फिर आज मैं हुई हूँ कंटिन्यू और आज आपने इस ब्लॉग का थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि अभी मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं दोस्त के घर में आई हूँ। तो फिर आज होगा बिग बॉस का घर सीजन 1। तो फिर देखिए गाइस, चलो चलते हैं आज बिग बॉस का घर का कौन कौन है। ज्यादा तक कुछ नहीं दिखा सकते पर ये है बिग बॉस का घर का दरवाजा जहां से लोग आते हैं और जाते हैं। यहाँ पे है एक बहुत गंदा सा डस्टबिन और इस साइड पे है बिग बॉस का हॉल जहाँ कंटेस्टेंट बैठ के खाना खाते हैं और यहाँ पे अपना मूल विसर्जन करते हैं। बिग बॉस के घर में इंग्लिश बोलना मना ही है। तो फिर यहाँ पे है मिरर, यहाँ पे हाथ धोते हैं, यहाँ पे कपड़े हैं, एप्रॉन पर कोई यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे भाड़ा धोते हैं, बर्तन मांजते हैं और यहाँ पे है गरीबों वाला भाड़ावा, यहाँ पे है हम तो इट्स नेचुरल जो भी ना खाते हैं, इट्स हमारा ब्लैक हमारा ब्लॉग भी है, इट्स नेचुरल नो फिल्टर ओनली रियल थिंकर। तो फिर ये हमारा छोटा सा मोटा सा किचन है, यहाँ पे एक बेडरूम है जिसमें हमें जाने का अलाउड नहीं है, यहाँ पे है हमारा ग्रोसरी का सामान, जो भी चोर आए हमारा सारा चीज लूट के चले जाए पर ये हमारा ग्रोसरी का सामान कभी ना लूटे क्योंकि भूख से बड़ा कुछ नहीं है इस संसार में। ये है गरीबी वाला ग्रोसरी का स्टोर। शाम का 3:30 होके थोड़ा ज्यादा बजी, यहाँ ज्योति कर रहा है मास्क को साफ, विंग्स को कटिंग कटिंग। हम तो अब ये खाएंगे रात में ये खाएंगे। देखते रहिए गाइस, रेसिपी नहीं बताएंगे। ये बिस्किट, ये करिश्मा कर रहे चीनी को गुकलो 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 और करिश्मा कॉफी। यही नहीं, अभी और सुनिए, टी ब्लैक टी विदाउट चाय पत्ती टी। नहीं 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 सारुन के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। ए मोन कॉफी खान चुता कुछ होते रखो यो मेरे कप कॉफी हाल देना। और सीजा यहाँ पे कर रहा है मिक्सिंग। आज बिग बॉस में घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री भी आने वाला है गाइस, देखते हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होता है पता नहीं। अभी बिग बॉस के घर में सिर्फ 4 लोग ही है, ये 3 लड़कियां और एक हूँ लु है लु। हाम्रो यहाँनिर चाहिँ मोमोको प्रोसेसर भइराको छ, यहाँनिर हाम्रो टुन टुनले चाहिँ हाम्रो कटिङहरू गरिरहेको छ, यहाँनिर उहाँको कटिङको स्टाइल हेर्नुहोस्। प्याज मौका यता प्याज मौका तर रिजल्ट हेर्नुहोस्। यहाँ चाहिँ फेरि एकदम प्रोसेस, हाम्रो मोमो बनाउने जस्तो हुन्छ, यता यो चकचकी अनि यहाँ हेर्नुहोस् हालत ला हेर्नुहोस् न, प्याज चाहिँ यहाँ कटाइङ हुँदैछ हो, तर रियाक्सन चाहिँ यहाँ यसको प्याजको रियाक्सन कसले
नानी तिमीलाई यस्तो बेसी भन त म छु तिम्रो साथमा अर्को चाहिँ यसरी फन्ने प्रकार पनि त अलिअलि रुँदैछु तर त्यस्तो बेसी होइन वा ऊ जस्तो चाहिँ होइन कोही चाहिँ तट्टी जाने कोही चाहिँ फेरि टोइलेटमा छ हो एकजना चाहिँ हाम्रो टोइलेटमा हुनुहुन्छ हो यहाँ चाहिँ यतानिर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली कटाई हो नि फेरि यो चाहिँ नेपाली पाराको कटाई ए यो सब्जी पनि छ तर यहाँनिर हाम्रो मासु पनि छ नि फेरि कता गयो मासु चाहिँ ए यहाँ चाहिँ मासु छ यहाँ चाहिँ मासु छ हाम्रो मासुको पनि बनिन्छ तर यो चाहिँ सब्जीको पनि बनिँदैछ अन्त यहाँ चाहिँ प्याज कटिङ हुँदैछ अब म चाहिँ सुप बनाउँछु लु है लु अहिले अब अलिकति पाकेपछि देखाउँछु है ओके बाई बाई भन्दै यहाँ हेर्नुहोस् न यसलाई चाहिँ जाडो भएको हेर्नुहोस् न यहाँनिर जाडो आमा हो अहिले के छ डिसेम्बर डिसेम्बर पनि आएको छैन नोभेम्बरमै यहाँनिर विन्टर आएर केही छैन यी नोभेम्बरमै ए के हुँदैन अलिअलि नेपाली पनि मिक्स हुन्छ ला हेर्नु रुक्कौ रुकेनु रुक्दै रुक्दैनु आँसु सरी छ यहाँनिर आँसु पर्छ के थाहा रुवाई जानेलाई प्याज हो नि यो प्याज चाहिँ डरलाग्दो हुँदो रहेछ क्या डरलाग्दो यसले हेर्नु त रुवाको हामी तिन तिनजनालाई यो अलिअलि रुँदैछ यो पनि आजकल त रुन पनि पैसा तिर्न पर्छ प्याज कति महँगो छ तपाईँलाई थाहा छ यस्तो महँगो तिर तिर्नु रुनु पर्ने आयो है लु है लु अब अलिक बनिएपछि देखाउँला कसैको घरमे बिग बस के ना चाहता कहना चाहता है कि आज इस घर का नमक और चीनी का मिसयूज किया है पहले ही डाल चुका था पर तुमने क्यों डाला दूसरा बार ठीक है तो बिग बॉस ये फैसला करता है हम धोके फिर मैरिनेट करेंगे तो बिग बॉस ज्योति को ये पनिश करता है समय बिग बॉस का घर का समय और खाने का समय का वेस्ट करने के लिए तुम्हें आज रात दो विंग्स ही मिलेगा टिंग टिंग बनाने वाली भी मैं ही तो खाऊं तुम लोगों को मैं ऐसे उड़ा दूंगी चुप बिल्कुल चुप बिग बॉस जो भी है उसको भी ऐसे उड़ा दूंगी टिंग टिंग अब मैं बोलता हूँ तेरे को मिल मेरे को कई बार टिंग टिंग दूसरे रूम पर यहाँ हो रहा है पार्टी बिग बॉस के घर में ये सब जंक फूड कैसे आया बाहर से दुकान से टिंग टिंग दुकान से आया ये अब आज इस घर से एक एलिमिनेट होने वाला है टिंग टिंग कौन चाहिए यहाँ पे दूसरे घर पे हीटर चोरी करने आई है श्रीता आज होगा फैसला ये हीटर क्यों ले जा रही है ये है बिग बॉस का दूसरा रूम मैंने टैक्स कंप्लीट किया मुझे टैक्स दिया गया था इसने ये कैमरे के पीछे जो उसने आज होगा बहुत बड़ा झगड़ा धमाका वाला और हमारे साथ बने रहिए ये खट्टी मीठी एपिसोड में टिंग टिंग हेलो गाइस तो फिर अभी मैं बिग बॉस से बोल रही हूँ आज का हमारा एक कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गई है वो था करिश्मा जो घर जा चुकी है सैडनेस था रो रही थी और उसने लगाया था ईट कलर का स्वेटर वो लड़की चली गई है देखिए उसका फोटो शाम का 7:15 बॉस के घर में ज्योति अकेले हंस रही है ये क्या बन रहा है आज बिग बॉस के घर पे विंग्स का मेरीनेट हो रहा है यहाँ सीजा बहुत रो रही है क्यों इतनी गम में हो नहीं रो रही हूँ मैंने एलिमिनेट कर दिया आई एम करिश्मा वाओ वेरी डेंजरस
करिश्मा आज एलिमिनेट हुई है तो वो है श्रीजा के कारण, बिग बॉस के घर से। यहाँ पे बिग बॉस के घर में आलू उगल रहा है। ठीक है गाइस, अभी बिग बॉस के घर में आप देखते रहिए। अब भी कैमरा आता है, ये लोग का गफ चला जाता है। चुप हो जाती है ना कैमरा, ऑफ कैमरा ना श्रीजा जी, बहुत ऑफ कैमरा ना श्रीजा जी, बहुत है ना जिससे ही कैमरा सही है। सही बताए बिग बॉस आपसे, ये मेरा गैस चला गया ना, ये पकड़ इसका अरे थोड़ा सा हमारा, हम लोग गरीब है देखिए, हमारा गरीब पर ये बिग बॉस हमें ना यहाँ कुकर चाहिए, ये बिग बॉस बहुत गरीब बिग बॉस है ना, ऐसे मुश्किल होता है देखिए, हमारा कुकर ऐसे हालत है, कुकर को ये बना रही है, बोल गई हाथ, समवन इज नॉकिंग। व्हाई आर यू रनिंग, व्हाई आर यू रनिंग, कुछ खोल नहीं आदर्श हो, ये तो दैलो खोलने में भी डराती है, कितना डर छेउड़ी नहीं है, एक बात डर पोक नहीं है आयो, डर पोक नहीं है हमारा कुकर का ना, ये गैस तो सब जा रहा है, क्या फायदा, क्या करते हैं आप, गैस को बंद करना पड़ेगा, और इतना मेहनत करके इस कुकर को बनाया है बार बार। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। सो अभी बिग बॉस के घर में ये दूसरा दिन पक रहा है सैफ आले, और आज का किचन का ड्यूटी है श्रीजा का। And she's helping her, she's but I'm an assistant. Yes, she's assistant and I'm a cameraman. Okay. Oh, cameraman. Okay. Hey, yeah. Big Boss ke andar English bolna mana hai. Kya Big Boss juice hai? Kyun? Sach mein Big Boss ke ghar mein English bolna allowed nahi hai. Allowed kyun nahi hai? Allowed nahi hota hai kyunki Hindi log dekhte hai na. Oh, thank you. Yaar mera par maza le mila rahe isme tok 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 rakhe mujhe puta padta hai na phir phook de yaar. We are crying, baby. Huh? We are crying. She is helping me. Why? To help her, but she. Why? Big Boss के घर में श्रीजा ने ज्योति को बहुत help किया. क्यों? 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 और guys, अभी का vlog ऐसा ही चल रहा है, guys. देखते रहिए। भूल जाते हैं आम ब्लॉग बनाना ही, हाँ तो फिर भूल जाते हैं हिंदी बोलना भी, तो माफ कीजिएगा। क्या करे गाइस, रग रग में नेपाली गोरखाली का खून बक रहा है। हाँ गाइस, ये बोले भाई, अब क्या बोले, क्या बोले, क्या था भाई बोले। तो फिर ये डाला डाला आटा, हम इतना खो जाते हैं ना एक और का में, यहाँ हम एक दूसरे में हो, हम एक दूसरे बहुत खो जाते हैं ना एक दूसरे हाँ, में एक तो, दूसरे में हमको जब भी हम मिलते हैं ना गाइस तो भूल जाते हैं ना। अब तो सारे जावे हो गया हो गया तुम्हारा जलवा ला, वो तो लजा गई जलवा के गाइस ये ना इसका पोज है, फिर करना तो पोज आगे को, ये ना पोज है ना, जब भी हम इसको इसका खिल्ली उड़ाते हैं ना, ये ऐसे ही जाके छुप जाती है ऐसे कोने में है, ये हमारी बार बार बल्ला बल्ला बनने को तैयार है, फ्राई होने को दिया है। डुम 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 कहावत है नेपाली में कि ना पता हो ने खोला ले बगौछा, इसका मतलब है हम जिसको बिलीव ही नहीं करते वो खोला, वो नदी हमको डुबा देती है, वे ऐसे ही है, मत जाना आपको बेच के टुकड़ा टुकड़ा बना के आपका आंख कितनी बेच के आपको वो कंगाल से भी कंगाल बना देगी, ये है श्रीजा। आप
आपको कैसा लगा आपका तारीफ, इतना तारीफ सुनकर? इतना तारीफ सुन के तो मुझे ये प्रेम मासूम बने, इसके झांसे आप लोग बोलिए कि ये लड़की इनोसेंट है या चालू है। अब तुम वोट करो। मैं चालू। मैं आप तुम वोट करो। मैं छुपे रुस्तम चालू। टिंग टिंग बोल दो बा। टिंग टिंग ये बहुत छुपे रुस्तम है ना, दिखती तो एकदम शांत सुशील है बट जब ऑफ कैमरा होते हैं ना ऐसे उफरती है, ऐसे उफरती है। क्यों बना हुआ हूँ आज? नहीं 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 मैं हमेशा से टारगेट देखे ऐसे ऐसे कहती है मुझे, तुम लोग हेपते हो ऐसे बोलती है ये ना कि ये और हेपते हैं मुझे। सच क्या होता है? हम सबको हेप लिए हैं। अब आज का आखिरी वोट होगा आदर्श से। आज का आखिरी वोट देने के लिए क्या आप रुको ना, क्या आज का आखिरी वोट देने के लिए तुम रेडी हो? Yes, I am ready. श्रीजा को आप वोट दीजिए। मासूम और मासूम चेहरे के अंदर एक षड्यंत्र चलाक। चलाक है वो, बहुत चलाक है वो। थोपड़े में मत जाइए वरना। वो बाहर से सीधा है लेकिन अंदर से इतना चलाक है कोई भी बच नहीं सकता। तो चलाक में टिंग टिंग कर। अभी घर पर श्रीजा और ज्योति को मिला है डांसिंग टास्क, देखते कौन अच्छा करता है। सुबह 9 बजे, अभी बहुत ठंड है, मुझे बहुत ठंड लग रहा है इसलिए मैं इधर बैठी हुई हूँ। लीजा उधर है, लीजा इधर आ जा, नेक छीन आ जा रे छिटो छिटो ना। ये देखिए लीजा का आज का आउटफिट घूम के। मकड़ी मकड़ी आ गया, पर ये तो ब्लॉक में रह गया। घूम के दिखा था भाई। वो रेडी हो रही है, हमको लेट हो रहा है फिर भी वो ऐसे ऐसे रेडी हो रही है। सब चले गए, अब सिर्फ मैं ही मैं और लीजा ही बाकी है ना। अभी ना मैं आप लोगों को हमारे यहाँ घर से बाहर नजारा दिखाती हूँ, ठीक है? यहाँ से ऐसा दिखता है, देखिए ये हमारे घर के बाहर रोड। ये देखिए ये बहुत अच्छा वाला सीन है, बट ये ना ये हमारा दार्जिलिंग में ये क्या है, ये तार बहुत ज़्यादा होता है, सो तार तो दिखता ही है बट अच्छा वाला व्यू होता है ना, पर तार भी है। हम लोग जा रहे हैं इधर, हम अभी जा रहे हैं चर्च। हाँ क्योंकि आज है संडे तो हम चर्च जा रहे हैं। अभी ना बिग बॉस ने हमको चर्च जाने के लिए परमिशन दे दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। और बाद में दिखाएंगे कि हम क्या क्या करेंगे, फिर श्रीजा से मिलेंगे, फिर हम रात में संग संग रहेंगे, और फिर आज भी होगा एलिमिनेशन, पता नहीं कौन एलिमिनेट होता है। दुं दुं, दुं दुं, दुं दुं। यो भन्दैन तेरो लुक। दिस इज माई लुक फर वाट? इन्सपायर्ड बाई कोरियन फेसन। दामी देख्यो लिजालाई। कौन है ये लुक, कहाँ से आते हैं? हम नहीं रोएंगे, हम नहीं रोएंगे क्योंकि अभी मत बोलो, क्योंकि गाइस हमारे जो
फ्रेंड था जो आई थी गाइस हमारे बिग बॉस के घर में, वो एलिमिनेट हो गई है गाइस, वो चली गई है और हम बहुत दुखी से मिस कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि वो जाए और बिग बॉस का ये घर भी नहीं चाहता था कि वो जाए, पर वो चली गई। म्यूजिक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बिग बॉस के घर में ये सब क्या हो रहा है? ओए अहिले भर्खर क्या हुआ भन्दे इसको चालापन, इसको चालापन गाइस क्या हुआ? आप लोग कमेंट में कमेंट अथवा कमेंट कमेंट करिए गाइस। आज सुबह बिग बॉस के घर में ये पका था इसकुल तो फिर वो पका था और इसकुल में तो ऑलरेडी पानी होता है गाइस, तो फिर ये इतना बड़ा कप का एक मग पानी डालना था, इसकुल का क्वांटिटी कम था, तो मैंने इसे बोला कि बाद में जाके वो झोल वगैरह ना हो इसलिए थोड़ा डाल दियो, तो फिर इसने आधा मग डाल दिया गाइस। उसके बाद ये भूल गई, इतनी सीटी गई, वो इसकुल ना इतना कचलता हुआ एकदम, वो कैसा था, एकदम कैसा था, एकदम कड़ा कड़ा हार्ड हार्ड, बहुत ही बासी को क्या कहते हैं, बहुत बूढ़ो 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 स्कूस था। तो गाइस आप लोग बताओ वो पकने में कितना टाइम लगता था? और तो वही समझ पर इसका मेन गलती है, दिमाग वर्स्ट कर पर गाइस इसका मेन गलती है कि ये भूल गई कितना सीटी गई, मैं सीटी जाते गया ये भूलती गई, ये मेरे सामने थी गाइस, मेरे ये इसको भी नहीं पता गाइस बनाने वाली कौन थी, वोट करिए गाइस वोट करिए, नहीं गाइस प्लीज मुझे वोट कीजिए इसकी वजह से। जो भी हो गाइस इन दोनों का ही कचर पचर, बट हमें तो ऐसा ही खाने को मिल रहा है, अच्छा तो दिख रहा है बट खाते पता चलेगा। जो भी हो लॉस तो हमारा भी हुआ, अब डरे का खाना पड़ेगा इसमें से, फिर है ना इसमें है ना ये डर तो गया ना, ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम डाल रहे कि किसने किया, किसकी गलती है। तो आज आप लोग ऑडियंस फैसला करोगे? हाँ जी, इसका पहले ये बताए कि इसका शेफ कौन है, डुम 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 शेफ नुक गया वो दोनों में से कौन थे शेफ किचन रसोड़े में कौन था, कौन था रसोड़े में, कौन था कुकर में ये स्क्विश डाल के गैस ऑन करके, रसोड़े में मैं थी लेकिन मेरे कान में कौन था मैं तो गाइस आजकल भलेपन का जगह ही नहीं है, भलेपन का आजकल भलेपन का जगह ही नहीं है बेचारे, ये धारावाहिक में साजिश होता है इसी तरह इस बिग बॉस के घर में भी साजिश हो रही है और मेरे साथ ओ नो ओ नो मेरे तो गाइस आजकल तो भलेपन का पता नहीं गाइस सच्चाई क्या है, किसकी गलती है इन दोनों में, बट तुम्हारा अपना ओपिनियन दे दो। मेरा ओपिनियन मुझे नहीं पता, बट भुगतना तो मुझे भी पड़ रहा है ना साला, ये लड़की भागता है ए टूट पर इसमें, ये सब क्या किया तो ये सब खाएगी आप, ये इसका पर इसमें है क्या किया है बोल ये लोग तो दोनों मिलके मुझे फंसाना चाहते हैं, तूने हमारे साथ तू चाहे इसके साथ हो चाहे मेरे साथ हो पर तू ऐसा खेल नहीं खेल सकती बिग बॉस के घर में, ठीक है देखूंगी इसके लिए कैमरा बके 10 बजे देखिए ये हमने अभी अपनी भाड़ा धो चुके हैं, अब हाथ धो रही है, प्लेट किया हमने, ठीक है अब दूसरों को दिखाती हूँ, लीजा या अपनी टास्क कर रही है घर साफ करने का, हाँ। अच्छे से करना लीजा, हाँ। और मैं तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि अब हम
इस बिग बॉस घर से निकल रहे हैं, हम तीनों एलिमिनेट हो रहे हैं। और जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ साफ सफाई कर देते हैं, इसलिए तैयार बैठे हैं। हमारे बिग बॉस ने कोई नहीं जीता। अब हम सब अपने अपने घर जाएंगे है ना, फिर ये सीजन इतने में ही समाप्त, फिर आएगा दूसरा सीजन। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं क्योंकि हमारा बिग बॉस हाउस खत्म हो गए, सीजन वन खत्म। इसके बाद आएगा ओया जनता, इसके बाद आएगा सीजन टू हमारा। अगर आप लोगों को सुनो, अगर आप लोगों को सीजन टू चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आप लोगों को इस ये वीडियो पसंद आया तो सीजन टू के लिए कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में भर दीजिए वी वांट सीजन टू के। और हमको सीरियसली मत लीजिएगा, हम जो भी जैसे भी करते हैं हम सिर्फ मजाक करते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, इतना ही, फिर मिलते हैं।